मुंबई हर साल पृथ्वी की एक बड़ी घटना का गवाह बनता है, जब हजारों फ्लेमिंगो ब्रीडिंग के लिए मुंबई की सकरी खाड़ी में उतरते हैं। इस साल उनकी तादाद अब तक की सबसे ज्यादा थी। फ्लेमिंगो ने 1980 के दशक में यहां आना शुरू किया था। इस बार इन खूबसूरत पक्षियों को खास तवज्जो मिली। भारत ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन कर दिया था। ब्रीडिंग वाले इलाके में इस साल कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा था। स्थानीय निवासी अपनी बालकनी से ही उन्हें देख सकते थे, लेकिन और करीब जाने की हालत में नहीं थे। ठाणे का वेटलैंड पक्षियों के लिए स्वर्ग सा बन गया था। ये फ्लेमिंगो दक्षिण यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व से मुंबई पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें खोल वाले जीवों, क्रस्टेशियन, जलीय पौधों और नीले हरे शैवालों का आहार मिलता है। दो साल से हम सचमुच ये काम कर रहे हैं, जहाँ हमारी टीम हर महीने ठाणे क्रीक में जाती है और व्यवस्थित तरीके से पूरे 20 किलोमीटर के तट पर फ्लेमिंगो की गिनती करती है। मार्च 2019 में हमने 1,34,000 फ्लेमिंगो की गिनती की थी। ये अब तक मुंबई में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा तादाद है। मुंबई की शहरी भीड़ यूं तो प्रकृति के खिलाफ दिख सकती है, लेकिन शहर में पश्चिम के नमक वाले मैदानी इलाके के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लेमिंगो आबादी यहीं रहती है। फ्लेमिंगो उन कुछ एक प्रजातियों में शामिल है जिनकी संख्या पिछले दिनों में बढ़ी है। पक्षी विज्ञानी इस घटना को एज नेचर कहते हैं, जिसमें इकोसिस्टम में इंसान का दखल कभी कभी वन्य जीवन को लाभ पहुंचाता है। ठाणे क्रीक में इंसानी दखल बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये शहर के बड़े हिस्से के घरेलू और औद्योगिक कचरे के डंपिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। गंदगी के नाले शैवालों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जो फ्लेमिंगो को बहुत पसंद है। पक्षी विज्ञानी संजय मोंगा तब से फ्लेमिंगो को देख रहे हैं जब वे पहली बार मुंबई पहुंचे थे। उनका मानना है कि फिलहाल उनकी हालत अच्छी है, लेकिन संतुलन बनाना आसान नहीं है। मुंबई के इलाके में ठाणे क्रीक के आसपास फ्लेमिंगो के विस्तार की एक वजह यहाँ की रिफाइनरियाँ हो सकती हैं। वे गर्म पानी छोड़ती हैं। इस तरह हो सकता है कि क्रीक सही मात्रा में प्रदूषित हो। मेरा मतलब है कि क्रीक का पानी उतना ही गर्म है जितना फ्लेमिंगो और बहुतायत में आने वाले दूसरे जीवों के लिए सहायक है। रिसर्चरों ने पाया कि लॉकडाउन के दौरान पक्षी मस्त थे। जैसे ही इंसान पीछे हट गया, उन्हें उनका बसेरा पूरी तरह मिल गया। लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण का मुकाबला आसान नहीं है। इससे फ्लेमिंगो को नुकसान हो सकता है। अगर वेटलैंड्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब है फ्लेमिंगो और यहाँ आने वाली दूसरी प्रजातियों के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मुख्य काम है इस जगह को बचाना। पिछले दो सालों से राहुल खोत की संस्था BNHS फ्लेमिंगो और दूसरी माइग्रेटरी प्रजातियों के बारे में नॉलेज बेस बनाने की कोशिश कर रही है, उनके बर्ताव को समझने के लिए दूरगामी स्टडी। उनके बसेरे के अध्ययन से लेकर जागरूकता अभियान चलाने और पक्षियों की गिनती के लिए टैग लगाने जैसे काम करके ये संगठन इस समय करीब 80 प्रवासी प्रजातियों का अध्ययन कर रहा है। इसकी मदद से ये संस्था मुंबई के वेटलैंड्स को बचाने की मांग तेज कर पाएगी। हम उनकी इकोलॉजी, उनकी बायोलॉजी, उनकी संख्या, उनके माइग्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इस डाटा का इस्तेमाल कर स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाएंगे। हम इस बात का विश्लेषण भी कर रहे हैं कि पिछले सालों में इस इलाके की परिस्थितियां कैसे बदली हैं। आप यदि नवी मुंबई के इस पूरे इलाके को देखें तो ये वेटलैंड और नमक के प्याले के मोजाइक जैसा है। पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या हमें उस वक्त की याद दिलाती है जब यहाँ प्रकृति का राज था।
यदि वन्य जीवन को समझने और उनके आवास की सुरक्षा के सही प्रयास किए जाएं और सही कदम उठाए जाएं, तो भविष्य में भी फ्लेमिंगो बड़ी तादाद में यहाँ वापस लौटते रहेंगे।